नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फीके डिजिटल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आज आप सभी के लिए एक जोरदार वीडियो बनाई है और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं कि आधार कार्ड में सरकार ने कुछ किए हैं बदलाव, जिसके बारे में आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है, हम सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है आधार कार्ड में जो बड़ा सा बदलाव हुआ है वो क्या हुआ है, क्या क्या आधार कार्ड में चेंज हुआ है और ये सभी के लिए लागू हुआ है। सभी को नया आधार कार्ड फिर से बनवाना नहीं, मतलब फिर से नया आधार कार्ड डाउनलोड कर लेना होगा। जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है वो आधार केंद्र में जाकर के फिर से नया आधार रिप्रिंट करवा सकते हैं। तो क्या हुआ है बदलाव, कैसे करना है डाउनलोड, क्या है प्रोसीडर, आपको डिटेल्स में वीडियो में बताने वाले हैं। तो अनुरोध आप सभी से है कि कृपया वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप क्लियर एक बार में समझ जाएँ। तो दोस्तों, अभी मैं फिलहाल UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, जो कि आप मोबाइल से भी ओपन कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर से भी ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे डाउनलोड आधार पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि अभी जो नया आधार कार्ड आने वाला है डाउनलोड करने के बाद वो कौन सा वर्जन का आता है नया, उसमें क्या क्या चेंज होगा, वो लाइव में इस आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। तो देख लीजिए, कुछ इस तरह से ऑप्शन आया हुआ है, आप डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ योर आधार, आधार नंबर, इनरोलमेंट आईडी एंड वर्चुअल आईडी, तीन ऑप्शन से कर सकते हैं डाउनलोड। तो फिलहाल मेरे पास आधार नंबर है अवेलेबल में, यहाँ पे अपना आधार नंबर डायल करके यहाँ पे कैप्चा करके सेंड OTP कर देता हूँ और आप लोगों को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। वीडियो लंबा नहीं होगा इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा कर देता हूँ पाउच, डायरेक्ट डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो मेरा आधार कार्ड हो गया है डाउनलोड। डाउनलोड का प्रोसेस आप लोगों को मालूम ही होगा दोस्तों, डाउनलोड आधार उसी तरह से हो रहा है जैसे पहले होता था। मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है तो OTP आएगा, डालने के बाद आपका कुछ दो क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं और उसके बाद आपका डाउनलोड हो जाता है आधार कार्ड आपके मोबाइल में। तो फिलहाल यहाँ पर सबसे पहला जो चेंज हुआ है वह ये है, यहाँ पर भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है नीचे में, इस तरह का तिरंगे का मार्क्स तो पहले भी आता था लेकिन अभी चेंज हुआ, ये गोल चक्री जो है पहले नहीं होता था। अपडेट नंबर वन यही है दोस्तों। दूसरा में यहाँ पर देखिए, डाउनलोड डेट तो पहले लिखा रहता था, इशू डेट लिखा रहता था, यहाँ पर देखिए जहाँ पे आपका फ़ोटो रहता है उसके बगल में बारकोड होता था जो बदल गया है, अब बारकोड वहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ इशू डेट लिखा हुआ है और उसके बगल में भी डाउनलोड डेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दो तीन चेंजेज हो गया है, प्लस आपका जो बैक साइड जिधर आपका एड्रेस लिखा रहता है उधर बारकोड बड़ा सा लगाया हुआ है। तो सबसे मज़ेदार लग रहा है दोस्तों, भारत सरकार और यहाँ पर जो अपना तिरंगे का जो चक्री होता है बीच का वो लगाया गया है, बेहद मज़ेदार देखने में लग रहा है और इसमें ये सब दो तीन से चीज़ों को अपडेट किया गया है। तो जल्दी से फटाफट से आपने सभी जितने भी लोगों को आधार कार्ड है पुराना वाला वो नया से डाउनलोड कर लीजिए। आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आधार सेवा केंद्र में जाके डाउनलोड करवा सकते हैं। यही था अपडेट, आज की वीडियो का उद्देश्य था दोस्तों आधार कार्ड में हुए बदलाव के बारे में आप सबको जानकारी देना। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को कर दीजिए कृपया एक लाइक और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल पाए। तो मिलते हैं इसी तरह के नए और ज़ोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।